गाइस ये रहा लसुंधरा। तो यहाँ पर है ठंडे और गर्म पानी के कुंड, तो ये रहे। सो गाइस ये रहे कुंड और यहाँ पर है सारे, ये रहे देखिए। ओए सो गाइस अभी हम जाएंगे आगे, जो ये वाले थे जो पुराने कुंड थे, और सॉरी ये वाले जो थे वो नए बनाए हुए हैं, और अभी हम जो जा रहे हैं वहाँ पे वो पुराने वाले हैं। चलिए सो ये वाले पुराने हैं ये भी, और ये वाले भी। जय श्री राम। चालू ये ये वाला गरम है, ले ली दो दी दो ये तो। गरम बहुत ही गरम पानी ये वाले, आज ठंडू है, ठंडू से ठंडा ये वाला ठंडा। माती ये गरम लाई मड़ू दे कर चले ला दोई मड़ू गरम पानी वाह ब्रा ले। सो गाइज हम सब ने मतलब हाथ पैर धो लिए हैं, नहाने का भी है लेकिन हमने नहाया नहीं है, हमने सिर्फ हाथ पैर धोए हैं, हाथ पैर और मुंह। तो कहा जाता है यहाँ पे मतलब हाथ ये ठंडे और गर्म पानी अंदर से ही मतलब ज़मीन में से ही अपने आप ही आता है। एक ही कुंड में से मतलब बाजू बाजू में दो कुंड है, एक में गर्म आता है पानी और एक में ठंडा आता है। तो कैसे आता है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन सबका मानना यही है कि यहाँ पे मतलब यहाँ के पानी से नहाने से और हाथ पैर धोने से सारे शरीर के मतलब सारे मतलब जो बीमारियाँ होती है, रोग होते हैं, वो सारे दूर होते हैं। तो हमने नहाया नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर हाथ पैर धोए, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है और बीमारियाँ और सब दूर होती है। तो अगर कोई ये ब्लॉग देख रहा है या आजू बाजू में कोई रहता हो और अहमदाबाद से पास में ही है, ज़्यादा नहीं है, अराउंड 50 किलोमीटर के अराउंड है लसुंधरा, तो एक बार विज़िट ज़रूर करिए। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इससे आगे जाएंगे हम तो फागवेल आता है, तो उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर वो चेकआउट कीजिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं एंड में भी उसका दे दूंगा रेफरेंस। तो थैंक यू, ब्लॉग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।